अभी मैं रिक्शा में हूँ फिलहाल, ठीक है? देखो तो गाइस, अभी मैं कुछ खाने आई हूँ, डोसा। आई एम योर टू ईट डोसा, एंड डोसा खाने के बाद खाना डन। अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। कोई नहीं रही, एक्साइटेड भाई, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम ऑन मेट्रो स्टेशन और हम मेट्रो लेने वाले हैं उस स्पेशल जगह की, सो स्टे ट्यून्ड। हम लोग पहुंच गए हैं उस जगह पर। यहाँ का टिकट भी सिर्फ 20 रुपए का है। ये टिकट मिल गई, ये देखो, कैन यू सी इट? मुझे लगा नहीं था भाई रात में हमें कुछ दिख पाएगा लाइट शो के अलावा, बट हमने फाइनली ढूंढ लिया है, सो लेट्स गो। गाइस, आपको मेरे पीछे गायत्री मंत्र से बनाए गोला दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है भाई, इतना प्रिटी लग रहा है। अब ये जो इसमें बीच में लाइन है ना, ये पूरा प्रॉपर गायत्री मंत्र है और आसपास में गायत्री मंत्र के एलिमेंट्स हैं। इट लुक्स सो प्रिटी। पास से आओ, पास से दिखाओ। ये देखो गाइस, इसमें गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ये पूरा गायत्री मंत्र से बना हुआ है, ये इसकी खासियत है। फ्लैश फ्लैश, अब ठीक आ रहा है? अब ठीक आ रहा है चश्मा भी? तो गाइस, वैसे तो यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियरली, बट ये देखो, ये है घोड़ा, सिर्फ घोड़ा, कोई मतलब नहीं है इसका, ये सिर्फ घोड़ा बना रखा है। मैंने बोर्ड पढ़ा, उसमें आया था डू नॉट टच एंड सिट, बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है इस पे, कोई मतलब नहीं इस घोड़े का, बस ये बना दिया है फैशन के लिए। गजब बेइज्जती है गाइस, योगा से ही होगा, प्लीज एक्सेप्ट दिस। गाइस, आपको ये मेरे पीछे बुक है दिख रही है? ये बुक यहाँ की सबसे फेमस बुक है, क्योंकि सारे वेदों के यहाँ पे पेजेस बने हुए हैं। इधर आओ दिखाओ, इधर आओ। इस बुक में मतलब डिस्क्राइब किए हुए हैं सारे वेद बेसिकली विद दीज सिंबल्स, ठीक है? तो जैसे ये वाला इन्होंने सामवेद बता रखा है। कौन कितने वेद हैं गाइस बताओ, कमेंट करो, नहीं पता होगा ना, मैं बताती हूँ। ये हो गया हमारा सामवेद, फिर इसके बाद हमारा ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद लिख लो, ठीक है? आजकल के मॉडर्न बच्चों, यजुर्वेद, ठीक है? क्या था? सामवेद, यजुर्वेद। आओ तीसरा वेद देखते हैं, और ये हमारा ऋण वेद, ऋण नहीं वेद, ओके। एक और है, दिस इज द फ्रंट ऑफ दिस बुक वेदा, ठीक है? तो इसमें बताया कि इसमें वेद के बारे में बताया कि वेदा, दिस इज द फ्रंट पेज एंड इसके आसपास में सारे वेदों का बताया हुआ है। उपवेद, ब्राह्मण, मतलब एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बताया पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ पे भी ये सिंबल है मंत्र। उसके बाद हमारा है ये अथर्ववेद, ठीक है? अथर्व, टैग अथर्व। तो इस क्या बोलते हैं ब्लॉग पे अच्छे रीच नहीं आई ना यार, तो बहुत गलत बात है यार, इतनी मेहनत करी तुम्हें दिख रहा है? चार लोगों के सामने बोल रही हूँ मैं। अरे भाई बंद कर दे कैमरा, बस कर। अरे इधर हूँ मैं, चलो चलो इधर आओ। मैं ही आ जाती हूँ यहाँ पे। तो
मेरे पीछे आपको ये जो स्कल्पचर सो मेरे पीछे जो आपको स्कल्पचर दिख रहा है ये है ऋषि अगस्त्य का स्कल्पचर, ठीक है। तो ये बहुत ही क्रिएटिवली इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ये ना मतलब बेसिकली वाटर में बनाया हुआ है, लाइक ऐसे पानी वो उसके हिसाब से। इधर आओ ना, इधर देख कितना मतलब देखो कितने अच्छे से बनाया हुआ है, लाइक इट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। ये हाँ इधर आके दिखाना थोड़ा, हेलो इधर आके दिखा, ये देखो पास से दिखाओ जरा। मुझे सबसे अच्छा लगा है ये यहाँ पे, मतलब सबसे अच्छा है यहाँ पे पानी भी है देखो, और ये हाथ ऐसे है कि पानी मतलब पानी में ऐसे हाथ वो हो देते हैं, तो वो उस हिसाब से देखो ये बनाएगा और पानी के पास ही बनाया हुआ है, लाइक आई लव इट। हाय हाय दिख रहा है। सो गाइस आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं, लोग नहीं जो स्कल्पचर है हाथ का, वो ऐसे करके स्कल्पचर है, यहाँ पे लोग बैठ के फोटो खिंचवा लेते हैं, वो अलग चीज़ है, बट इसका जो मेन मीनिंग है वो है दान। तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये स्कल्पचर दान को सिंबलाइज करता है कि ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसमें बैठ के फोटो मत खिंचवाइए, प्लीज नो द रियल मीनिंग, इसका मतलब है दान। जिंदगी में दान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो दान करो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको दान नहीं करना है, गरीबों को अच्छा अच्छा खाना पैसे और रहने की जगह भी आप दान कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कैसे दान करना है। सो यस गाइस ये पूरा भाई ज्ञान का वो है, सिर्फ फोटोशूट के लिए नहीं है, तो व्लॉग व्लॉग तो ठीक है अगर इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहे हो, बट पिक्चर ज़्यादा क्लिक मत किया करो। लोगों को ज्ञान बांटते बांटते मैं डिहाइड्रेटेड हो गई, पानी नहीं पिया है मैंने सुबह से, नहीं दोपहर से। सो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये त्रिशूल दिख रहा होगा आपको, और ऋषि मुनि ने वो पकड़ा हुआ है। तो ये मतलब जो युद्ध के हथियार होते थे ना, त्रिशूल तलवार वगैरह, तो उसके लिए जाने जाते थे। दैट्स इट, देख लो क्रिएटिविटी कैसे बनाया हुआ है, सीखो कुछ लोगों से, ज्ञान नहीं है तुमको। Finally, it's happening. युद्ध की परंपरा का अनुपालन करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को धारण किया। और बिल्डिंग पर रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब कितना मैजिकल है यार साहब यहाँ पे। संस्कृति आचार विचार और कर्तव्य कर्तव्य आदि को जानने का विचार होता है। ऋग्वेद जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति में काम है। इतनी पास से देखने में और अच्छा लग रहा है। ओजोन लेयर का वर्णन है। हर एक लाइट का अलग ही प्यारा अलग सा रिफ्लेक्शन है यार। मिनट एक एक चीज दिखाती हूँ आपको। तो देखो लाइट शो जो था ना वो पीछे चल रहा था, मतलब मेरे अपोजिट में चल रहा है, अभी भी चल रहा है थोड़ा सा लास्ट का। और ये आपको मेरे पीछे मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर वहां से मुझे ये दिख रहा था, और ये मंदिर देखने के चक्कर में मैं वहां से भाग के आ रही थी, क्योंकि लाइट शो होता है ना लाइटें बंद कर देते हैं, और भाई मैं आ रही हूँ ठीक है, और मुझे दिखानी, और घास में ना मतलब कीचड़ मतलब होता है घास गीली हो रही थी ठीक है, और मैंने उसमें ऐसे पैर रखा जोश में, और मेरे दोनों पैर पे जो खतरनाक कीचड़ आ गई है ना, मतलब मिट्टी गीली मिट्टी, मैं दिखाती हूँ वेट,
ये देखो गाइस, ये देखो पूरे पैर पे मेरे मिट्टी आ गई है। कैन यू सी इट? मतलब एक तो ठंडी का टाइम, ऊपर से मेरे साथ ये हो गया। वाह, अब घर पे जाओ फिर से कपड़े धो भाई। ये भगवान क्या जुलूम है। ये देखो एक और स्कल्पचर। भाई मुझे लगा नहीं था कि रात के टाइम पे हम लोग स्कल्पचर देख पाएंगे ढंग से। लाइट शो के लिए मैं स्पेशली आई थी, बट वाओ वी गॉट लकी और हमें ऑलमोस्ट सारे स्कल्पचर दिख गए हैं। और ये देखो एक और स्कल्पचर। तो ये मतलब बेसिकली पूरा पार्क नॉलेज का पार्क है, मतलब वेदों की, ज्ञान की और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दैट। कॉमेंट्स में बताना सबसे फेवरेट वाला पार्ट आपका कौन सा था एंड विच स्कल्पचर यू लाइक द मोस्ट। ओके, एंड ऐसे ही बड़े बड़े ब्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। ओके, खूब सारा प्यार बरसा दो ब्लॉग पे, ठीक है ना। बाय, टेक केयर, लव यू।